a wedge is moving with an acceleration a equals 4 meters per second square vertically up as shown in figure what is acceleration of block of mass 1 kg with respect to wedge and normal reaction by wedge on block respectively all surfaces are smooth choose the correct pair तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारा एक लिफ्ट है लिफ्ट के अंदर एक वेज रखा हुआ है जिसका एंगल ऑफ इंक्लेनेशन 30 डिग्री है और इस वेज के ऊपर में एक 1 के ब्लॉक ऑफ मास रखा हुआ है और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड्स स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि तुम्हारा वॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास वन के जी विथ रिस्पेक्ट टू वेज तो इस वन के जी ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना होगा और नॉर्मल रिएक्शन बाई वेज ऑन द ब्लॉक बाई द वेज ऑन दी ब्लॉक तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा तो बेसिकली यहां पे क्या है कि ऐसे करके ये जो तुम्हारा वेज है ठीक है और यहाँ पे ये वन के जी ब्लॉक है और ये वेज जो है ये ऊपर की तरफ तुम्हारा क्या जा रहा है ऊपर की तरफ इक्वल टू फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सिलेशन के साथ जा रहा है और इस ब्लॉक का तुम्हारा मास है एम इज इक्वल टू वन के जी तो नीचे की तरफ में तुम्हारा वेट के वजह से तुम्हारा इसका फोर्स कितना काम कर रहा था टेन न्यूटन फोर्स काम कर रहा था और सीडो फोर्स इस पर तुम्हारा कितना लग जाएगा एम इन तो सीडो फोर्स इसमें लग जाएगा फोर न्यूटन तो नीचे की तरफ तुम्हारा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है फोर न्यूटन फोर्टीन न्यूटन टेन जो हो गया वो इसके वेट के वजह से है फोर जो है वो सीडो फोर्स के वजह से है यहाँ पर तुम्हारा एंगल जो है दैट इज़ इक्वल टू थर्टी डिग्री तो अगर इसको हम रिजोल्व करके देखें तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 14 साइन 30 और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 14 कॉस 30 इन दोनों के बीच में जो सरफेस में कांटेक्ट हो रहा है तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तुम्हारा ऐसे काम कर रहा है ठीक है तो देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ वन के जी ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज तुम्हारा कितना हो जा रहा है फोर्टीन साइन थर्टी डिग्री विच इज इक्वल टू सेवन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये तुम्हारा एक आंसर आ गया और सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दी वन के जी ब्लॉक ड्यू टू वेज ठीक है तो दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू है तुम्हारा फोर्टीन कॉस्ट थर्टी तो दिल टू फोर्टीन इन टू कॉस्ट थर्टी का वैल्यू कितना टू तो ये गया सेवन तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन इज इक्वल टू सेवन रूट थ्री न्यूटन ये भी तुम्हारा एक आंसर है इस प्रॉब्लम का ठीक है तो सेवन और सेवन रूट थ्री तो हम देख सकते हैं दैट ऑप्शन a is the correct option to option a is the correct option for this problem